लॉकडाउन में भी शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र के गांव निधि का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 26 पेटी शराब बरामद की है। यह शराब छत्तीसगढ़ से यूपी में बेचने के लिए लाई गई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में पुलिस के हाथ अवैध शराब का जखीरा लगा था, जिसमें पुलिस ने 563 पेटी अवैध शराब बरामद की थी। प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद भी शराब तस्कर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार शराब के गोरख धंधे में लिप्त हैं। आपको बता दें कि देर रात छजलैट पुलिस क्षेत्र में घूमकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही थी। इसी बीच पुलिस को एक संदिग्ध बाइक पर आता हुआ दिखा, जिसे पुलिस ने रोका तो उसके पास एक अवैध शराब की पेटी मिली, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने छापा मारा और मौके से 26 अवैध शराब की पेटी बरामद कर ली। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सीओ कांट बलराम सिंह के मुताबिक यह शराब छत्तीसगढ़ से लाई गई थी और इसे उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा था। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही दो आरोपी भागने में कामयाब हुए हैं। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें भी संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया जाएगा। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। यह पिछली बीती रात को ऐसो छजलैट को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली। सूचना के आधार पर गांव निधि है, वहां पर छापा मारा गया, दबिश दिया गया, तो उसमें जो है 26 पेटियां दारू हरियाणा मार्का की मिली है, जिसमें एक मुजरिम गिरफ्तार हुआ है और दो भाग गए, फरार हो गए और इन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.